नमस्कार, नवोदय प्लस टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सकीना। आइए देखते हैं आज की ये खास खबर। झांसी के रसबहार चौराहे का नाम बदल दिया गया है। अब रसबहार चौराहा अपने पुराने नाम से नहीं बल्कि नए नाम गुरु नानक देव चौक नाम से जाना जाएगा। इसका शिलान्यास और लोकार्पण आज झांसी सदर विधायक रवि शर्मा और मेयर रामतीर्थ सिंघल ने किया। मालूम हो कि झांसी के सीपरी बाजार में रसबहार चौराहे के नाम को बदलने की कवायद काफ़ी समय से चल रही थी। यूपी में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले आज झांसी नगर निगम की सहमति से रसबहार चौराहे का नाम बदल दिया गया है। अब रसबहार चौराहे को गुरु नानक देव चौक के नाम से जाना जाएगा। रसबहार चौराहे का नाम गुरु नानक देव चौक होने पर सिख समुदाय में खुशी की लहर देखी जा रही है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से मुश्ताक अली के साथ प्रदीप की रिपोर्ट। आज सीपरी बाजार में सीपरी ओवर ब्रिज के नीचे एक चौराहा बहुत पहले से हुआ करता था जिसका नाम था रसबहार चौराहा। लेकिन हमारे बहुत ही समृद्ध और समाज में प्रभावशाली समाज सिख समाज के द्वारा ये प्रस्ताव नगर निगम को दिया गया था कि इस चौराहे का नाम श्री गुरु नानक देव जी चौक कर दिया जाए। इस नामकरण प्रस्ताव को हमारे नगर निगम ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया था और इस शर्त के साथ स्वीकार किया था कि इस चौराहे के सुंदरीकरण पर जो भी व्यय आएगा वो सिख समाज स्वयं वहन करेगा। आज बहुत खुशी की बात है, बहुत आनंद का विषय है कि झांसी का एक चौराहा बहुत ही सुंदर स्वरूप में गुरु नानक देव जी चौक के रूप में उभर के हम सबके सामने आया है, जिसका आज लोकार्पण और जिसके शिला पट्टिका का अनावरण आज हम लोगों के द्वारा किया गया नगर विधायक रवि शर्मा जी भाजपा के बड़े नेताओं के द्वारा। मैं इस अवसर पर ये बताना चाहता हूँ कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का नारा है, मंत्र है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसका ये एक जीता जागता उदाहरण है। इसी श्रृंखला में अगर देखें तो झांसी के कई चौराहे, कई मार्ग, कई पार्क विभिन्न महान विभूतियों के नाम पर किए जा चुके हैं और उन्हीं के खर्च पर उनका सुंदरीकरण किया जा चुका है। बाजार में गुरु नानक देव जी के नाम पर एक चौक की स्थापना और शिलान्यास ये लोकार्पण कार्यक्रम निश्चित रूप से बहुत शानदार झांसी में सर्व धर्म सद्भाव की मिसाल कायम करने वाला। आज मैं कह सकता हूँ कि झांसी महानगर में सभी जाति धर्म के लोगों को साथ देकर के झांसी ने सर्व धर्म सद्भाव की मिसाल कायम की है। निश्चित रूप से ये सिख समाज के लिए गौरव का विषय है। गुरु नानक देव जी जो उनके आराध्य हैं, मार्गदर्शक हैं, जिनको लेकर के वो काम करते हैं, आज चौक के माध्यम से निश्चित रूप से सकारात्मक संदेश पूरे समाज में गया है। हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। लेटेस्ट न्यूज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।